नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्त, इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड एडमिशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लगने वाली है वो हम आपके सामने रखेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि क्या क्या दोस्तों आपके सामने डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। अलॉटमेंट लेटर होगा, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, रजिस्ट्रेशन पत्र का प्रिंट आउट, ये दोस्तों ऑप्शनल है या वैकल्पिक, ठीक है। देख सकते हैं इतनी लंबी लिस्ट है, टोटल 18 चीजें मांगी जाएगी आपसे। उसके बाद आपका एक 10 रुपए वाला शपथ पत्र लगेगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आज आपके जो कमेंट्स आए उन कमेंट्स का भी हम इस वीडियो में आंसर करेंगे। ढेर सारे कमेंट्स हैं, तो हो सकता है कि आपका जो भी डाउट है, जिन भी बच्चों का भी कमेंट नहीं है तो वो भी अपना डाउट यहाँ पर क्लियर कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आज मदर्स डे, तो उस पर हम कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, मिलने को तो 1000 लोग मिल जाएंगे, लेकिन माँ जैसा अनमोल रत्न दोबारा नहीं मिलता। इसे हमेशा संभाल कर रखना, क्योंकि माँ बोलने का दोबारा अवसर कभी नहीं मिलता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए, अब आपके जो भी डाउट्स हैं उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। एक और सवाल आपका था कि सर हम आवेदन पहले कर लें या बाद में करेंगे, क्योंकि सर्वर डाउन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी उसके एक हफ्ते के अंदर कोशिश करिएगा 1 वीक में आपका आवेदन हो जाए। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो भी दोस्तों आप लोग आवेदन करते हैं डीएलएड में, यहाँ पर आपको आवेदन में कोई सुधार का मौका नहीं मिलता है। अब मान लेते हैं आपके हाई स्कूल में 600 में से नंबर आ रहे 490, आपने गलती से डाल दिया 491, तो ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है डीएलएड में, ठीक है। मेरिट के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ आप नहीं करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि मेरिट के बेस पर ही आपका एडमिशन होता है। जब एंट्रेंस एग्जाम नहीं है तो मेरिट ही यहाँ पर सब कुछ होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं बच्चों का सवाल था, सर हमारा एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या 12वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा, देखते हैं इसको। चलिए पहले ये देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग अपना अलॉटमेंट रिजल्ट, ठीक है, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, आवेदन पत्र शुल्क, ठीक है, आवेदन शुल्क मतलब आपका अलॉटमेंट शुल्क का प्रिंट आउट, ये वैकल्पिक ये भी है, तो ये दो आप नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। अगला देखिए, हाई स्कूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र में आवेदन में अंकित विवरण के अनुसार, देखिए अब जो रिजल्ट आता है उसमें रिजल्ट और सर्टिफिकेट एक ही में रहता है। फिर वही इंटरमीडिएट का अंक पत्र व प्रमाण पत्र, स्नातक अंक पत्र व प्रमाण पत्र अथवा प्रोविजनल प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, देखिए आवेदन की डिग्री आपको तुरंत तो मिलती नहीं, मतलब स्नातक में, तो उसका प्रोविजनल प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि तक निकाली गई नेट की प्रति मान्य होगी। निवास प्रमाण पत्र प्रवेश की तिथि तक निर्गत मान्य रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो उसको बनवा लीजिएगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट, जैसे कुछ होता है ना कि सर जी हमारी ओबीसी कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट, एससी कैटेगरी, ये सब तो 6 महीने पुराना रहता है तो और बेहतर रहता है, मतलब 6 महीने में ही। जाति प्रमाण पत्र, एक बात और, विवाहित महिला की स्थिति में पिता के नाम से निर्गत, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र उन बच्चों के लिए जिनके पास जनरल कैटेगरी से आते हैं, अगर उनके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अब जिनके पास रहेगा वही ना, ये नहीं सभी बच्चों को बनवाना है, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र, ये सब चीजें। देखिए दोस्तों, एडमिशन के टाइम आपसे जैसे 10,200 सरकारी कॉलेज की फीस होती है, 10,000 रुपए की पेमेंट एडवांस में जमा करा ली जाती है, बाकी दोस्तों 200 रुपये पेमेंट आपकी बचती, कितनी 200 रुपये। तो ये 200 रुपये आपसे कैसे लिए जाते देखिए, अवशेष शुल्क 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, ये दोस्तों देखिए अलग अलग कॉलेज का नाम होगा जहां पर आपका नाम होगा, ठीक है, नहीं तो आप इनके नाम से बनवा लेंगे। तो ये 200 रुपये बचता है ना, इसके लिए आपको DD बनवाना पड़ता है, सोचिए, ये नहीं कि कैश पेमेंट ले ले वहां। चलिए अगला देखते हैं, पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र, आधार कार्ड रखिएगा, फिर आधार कार्ड की छाया प्रति, पैन कार्ड, वोटर आईडी, डीएलएड, पासपोर्ट, बैंक, जो भी दोस्तों, प्राप्ति रसीद में 2 प्रति में एक फाइल को कवर के ऊपर चस्पा की हुई तथा दूसरी प्रति अभ्यर्थी को दी जाएगी, रसीद की दूसरी प्रति में बिंदु से कही, ये सब बातें आपको दोस्तों बता दें। जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे आप एक बढ़िया से जाकर मार्केट से फाइल खरीदेंगे, ठीक है, उसमें दोस्तों अब ये सीरियल वाइज आप अपना डॉक्यूमेंट्स को लगाएंगे। देखिए हर एक कॉलेज में अलग अलग तरीके से, कहीं और देखिए दोस्तों दूसरे कॉलेज में कैसे लिया गया, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यर्थी का नाम, जैसे ये फ्रंट पेज में ऐसा रहेगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आवेदन करते समय मिलेगा, आपका पूरा नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, कैटेगरी दोस्तों, विशेष आरक्षण, ये सब। और दोस्तों सूची क्या क्या जमा की गई है, हाई स्कूल, ठीक है, इंटर, स्नातक, ठीक है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण का है तो ये, शपथ पत्र देंगे, शुल्क रुपए अंकों में, ये सब, ठीक है ना। तो ये सब दोस्तों आपको देना, फ्री में एडमिशन कैसे लें। अब बहुत से बच्चों के मन में एक सवाल उठता है कि सर क्या पॉसिबल है 2024 में? जी हाँ, 2024 में क्या ये संभव है कि आपको फ्री में एडमिशन मिल जाए? तो देखिए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको फ्री में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। SC ST कैटेगरी में काफी हद तक चांस रहता है कि मिल जाए। होता है क्या है ना दोस्तों, कि फ्री में एडमिशन इसलिए आप लोगों को नहीं मिल पाता है क्योंकि आप लोग काफी लेट कर देते हैं कभी कभी। जैसे कुछ कॉलेज वाले मतलब अपने कुछ सीटों में फ्री में एडमिशन का रिस्क लेते हैं। अब किसी कॉलेज के पास 100 सीटें हैं तो वो कॉलेज ये नहीं करेगा कि 50 बच्चों का फ्री में एडमिशन ले, 5 से 10 बच्चों का फ्री में एडमिशन लेते हैं स्कॉलरशिप बेसिस के आधार पर। फ्री का मतलब होता है कि वो आपके स्कॉलरशिप का जो पैसा आएगा वो रख लेंगे, और कॉलेज वाले पूरी तरीके से चेक करेंगे कि आपकी स्कॉलरशिप आ भी पाएगी या नहीं, ठीक है ना। कुछ कंडीशन वहां देखी जाती है, मत सोचिएगा कि आपको एकदम फ्री में रख लेंगे। UP DLED करके यूपी के बाहर नौकरी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। चलिए दोस्तों पहले हम आपके कमेंट्स पर आते हैं। ये शपथ पत्र आपका कुछ ऐसा रहेगा, देखिए सर लिंक BTC का कहाँ से मिलेगा, हम आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, और वीडियो के अंत में दोस्तों देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको बता देंगे कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, कैसे वेबसाइट सर्च करेंगे, क्या करना है। सर BSc एग्रीकल्चर करने के बाद क्या करना बेटर होगा, BTC या BEd? देखिए दोस्तों आप कोई भी कोर्स कर लीजिए, आप ये समझ लीजिए जो हमारा BTC है या इसका नाम DLED है, अगर आप ये करेंगे तो 1 से 5 और 6 से 8 इन क्लासेस के लिए आप शिक्षक बन सकते हैं, टीचर बनेंगे। अगर आप BEd करते हैं तो यूपी में आप 6 से 8 और 9 से 10, 9 से 10 में TGT लेवल की वैकेंसी रहती है, लेकिन यह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए BEd में, ठीक है, तो आगे जाकर आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो पता चले कुछ मतलब ही नहीं निकला, ठीक है। तो आप ग्रेजुएशन देखिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये कि आप ग्रेजुएशन में कुछ भी पढ़ाई की हो, लेकिन अगर आप BTC करेंगे तो अभी आपको मौका ज्यादा मिलेगा। सर डेट कब आएगा UP DLED का? डेट दोस्तों बहुत ही जल्द आने वाला है, तैयार रहिए। पिछले साल क्या हुआ था यहाँ पर देख सकते हैं, 26 मई तक पूरा प्रोसेस होने लगा था, ठीक है ना, तो मई का लगभग महीना खत्म होने के कगार पर है, और 2 जून से आवेदन लास्ट ईयर शुरू भी हो गया था, तो तैयार रहिए। अगला सवाल, सर अभी मेरा 6th सेम का रिजल्ट नहीं आया तो मैं कब एडमिशन लूँ? सर मेरे यहाँ प्राइवेट कॉलेज है, मुझे वहाँ लेना है एडमिशन, तो BTC का एडमिशन कब तक होता है? देखिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, एक बात याद रखिएगा इस वीडियो में, एडमिशन वही बच्चा ले पाएगा, ठीक है, जो बच्चा ऑनलाइन आवेदन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट एडमिशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं, सर जो UP DLED में डायरेक्ट एडमिशन होता है क्या बिना आवेदन किए बिना फॉर्म भरे हो जाता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल स्ट्रिक्टली नहीं, आपको आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है ना। UP DLED ऑनलाइन फॉर्म कब आता है? बस ऑनलाइन फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाला है, फॉर्म कब तक आएंगे? इसी महीने दोस्तों, हो सकता है कि मई तक आपको फॉर्म देखने को मिल जाए। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके हर एक डाउट को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। सर निवास सर्टिफिकेट 2017 का तो क्या अपडेट कराना पड़ेगा? ठीक है, हम तो यही कहेंगे आप लोगों से, जितने बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं तो 6 महीने का सर्टिफिकेट रखिए, ठीक है, 200-300 रुपये आपका खर्चा होगा, 100-200 रुपये वो ठीक है, नहीं तो बाद में कोई दिक्कत ना हो तो बेहतर रहेगा। भैया ये बताइए, मेरा तो ग्रेजुएशन लास्ट ईयर पेपर 20-7 जून तक माइनर प्रोजेक्ट सबमिट होगा, तो कब ये फॉर्म फिल करेंगे? देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि आपको मौका मिल जाता है, जैसे दोस्तों लास्ट ईयर आपको मौका मिल गया था, हुआ क्या था, 2 जून से आवेदन शुरू हुआ, 31 अगस्त तक चला गया। अब भैया गिरे से गिरे हालत में हर एक कॉलेज का रिजल्ट अगस्त तक तो हर हालत में आ जाता है, ठीक है ना, तो किस्मत की बात है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आ पाया तब तो फिर आप दिक्कत में है। अगला सवाल, सर OBC के लिए 225 नंबर, आप बताइए 225 पर ही एडमिशन होगा या 225 कैसे, समझ नहीं आया। ठीक है, देखिए एक बात समझ लीजिए आप लोग, हमने ये बोला है कि मेरिट एक्सपेक्टेड है, जैसे हमने बोला ना जनरल कैटेगरी में 230 से लेकर 240 प्लस,
इसका मतलब ये हो सकता है कि कहीं पर 230 में भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए, कहीं पर ऐसा भी होगा 240 से ज्यादा नंबर पर सरकारी कॉलेज मिले। ओबीसी में दोस्तों हमने बताया था 225 से लेके 235 प्लस, तो ये मतलब हो सकता है कि 225 में किसी कॉलेज में ओबीसी में आपको एडमिशन मिल सकता है। बहुत से ऐसे कॉलेज होंगे जहां पर 235 में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये डिपेंड्स करेगा इस साल 2024 में कितने बच्चे आवेदन करते हैं। सर 10 में 60%, 12वीं में 49, बीए में 55। बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है सर इतने कम नंबर पे सरकारी कॉलेज। एक ही पॉसिबिलिटीज है, एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, फिजिकल हैंडीकैप हो, फ्रीडम फाइटर हो, एक्स सर्विसमैन हो। एक बात बता दें, एससी कैटेगरी की भी जो आजकल कट ऑफ जाती है वो 220 तक चली जाती है। अगर इन बच्चे के नंबर जोड़ेंगे 60%, ठीक है, 49 और 55 जोड़ लेते, 9 5 14, 6 4 10, 5 15 1 16, ठीक है, नंबर बहुत ही कम है, आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिल पाएगा। ठीक है, जनरल से 224 नंबर बनना है जी, आपको बता दें बहुत ही मुश्किल है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन सकता है तो बनवा लीजिए, एक चांस बन सकता है। एग्जाम दोस्तों कब होगा, ये सवाल है जो बच्चे डीलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पेपर आप जून में तैयार रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो आपके लिए शैक्षिक अर्हता रखी गई है, ग्रेजुएशन में मिनिमम ये देखिए 50% अंक होने चाहिए। अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं आरक्षित वर्ग में, तो 5% की आपको छूट मिल जाएगी, यहाँ पर लिखा है ना छूट। अगला सवाल आयु को लेकर रहता है, मिनिमम में जो आपके 18 साल से कम में एडमिशन नहीं होगा, मैक्सिमम 35 साल, कहीं कहीं पर आपको छूट मिल गई तो 40 साल। निवास दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्रों को जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन में ही आपका ग्रेजुएशन के नंबर मांगा जाता है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया तो फिर रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाएंगे, बात ही खत्म होती है। उसके बाद आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन का पार्ट टू, हाई स्कूल इंटर, ये सब भरेंगे, फिर आप अपनी फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, बस खत्म। ये सब करने के बाद दोस्तों आपका स्टेट रैंक जारी होगा, ओटीपी को जनरेट करेंगे, अपने हिसाब से आप कॉलेज फिल करेंगे, और जो कॉलेज में मिलेगा रिजल्ट आएगा तो उस चॉइस को लॉक करके पैसा पेमेंट करके अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करेंगे। ऐसे आप लोगों की रैंक शो होगी, जिन बच्चों की रैंक फर्स्ट होती है उनके नंबर 300 में से 300 भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, और हो सकता है बहुत से बार बच्चे फर्जी नंबर डालते हैं कि मेरिट को प्रभावित किया जाए। ठीक है, और जो फीस होगी दोस्तों 700 रुपये हो सकता है आवेदन फीस रखी जाए, या इस बार बढ़ाकर 1,000 तक भी जा सकती है। प्राइवेट कॉलेज की फीस एक साल की 41,000 है, दूसरे साल भी आपको 41,000 देना पड़ेगा, 2 साल में 82,000। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। जो बच्चे अदर स्टेट से हैं, अगर आपने अदर स्टेट में पढ़ाई की है, यूपी का निवास प्रमाण पत्र है, तो यूपी में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं गूगल के माध्यम से हम सर्च क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपके पास मोबाइल या लैपटॉप हो तो उसमें सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, और देखिए सर्च क्या करना है, स्पेलिंग याद रखिएगा, DELEDRESULT.com। आप DELED करने जा रहे हैं तो DELEDRESULT.com। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट को याद रखिएगा, यहाँ पर DELED रिजल्ट 2024 दिखेगा आपको, इसमें क्लिक करके यहाँ पर देखिए यूपी DELED BTC 2024 एडमिशन। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपके जो नोट्स है, जो आपको पढ़ाई करना है, फ्री में सारे नोट्स अवेलेबल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट कैसे, यहाँ सब कुछ यहाँ पर लिखा है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पर लिंक एक्टिवेट सून लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी रैंक कार्ड आएगी, काउंसलिंग का प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट लिस्ट देखिए यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए सारा लिखा है, इसको आप जाकर कॉपी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट, या इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शपथ पत्र भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जरूरत आपको पड़ेगी। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।